हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी जोन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप रेसिपी देख सकते हैं, आज दिनांक 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को बरेली से जो है टेबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंध में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ सामने निकल कर के आ रही है, जिसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया गया है कि आज पीलीभीत जिले के 4,859 विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आज जो है पीलीभीत जिले में 4,859 विद्यार्थियों को जो है टेबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके संबंध में न्यूज भी आ चुकी है। यह जो न्यूज है पीलीभीत से ही निकल करके सामने आ रही है। देखिए, आगे बोला जा रहा है कि जिले के 4,859 मेधावी विद्यार्थियों को शनिवार को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन वितरण 5 कॉलेजों में सुबह 10 बजे से होगा। दोस्तों, यहां पे देखिए, पीलीभीत के जो है 5 कॉलेजों में जो है टेबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण है वो होने वाला है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि आज सुबह 10 बजे से जो है पीलीभीत के 5 कॉलेजों में जो है टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने वाला है। आप उन कॉलेजों का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि हाफिज रहमत खान लॉ कॉलेज, जेएमबी पुष्प इंस्टीट्यूट, स्प्रिंगडेल कॉलेज, डिवाइन कॉलेज, चौधरी निहाल सिंह कॉलेज, डीपीपी डिग्री कॉलेज, हाफिज रहमत खान डिग्री कॉलेज, ललित हरि आयुर्वेदिक कॉलेज, राम भाई साहनी कॉलेज, साई डिग्री कॉलेज के 1,746 विद्यार्थियों को मोबाइल बांटे जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पीलीभीत के जो है 5 कॉलेजों में जो है आज सुबह 10 बजे से जो है स्मार्टफोन वितरण का जो कार्य है वह स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, आपको जो यह फोटो दिखाई दे रहा है, यह लखीमपुर खीरी के शिव मुन्नी देवी गया सिंह संजना सिंह गायत्री महाविद्यालय कॉलेज की जो है फोटो है। कल जो है इस कॉलेज में स्मार्टफोन का जो वितरण है वह किया गया था, तो आप इस तरह के तमाम फोटो को देख सकते हैं।